11:15 है, मतलब ऑलमोस्ट तो मॉर्निंग हो गई है भाई। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर जो है ना, आप देखोगे तो पूरा फ्रेंच बेस्ड है। ये देखो, बहुत नीट एंड क्लीन सिटी सा लगता है दिखने में, तो अच्छा ही है, लगता क्या है ही है। और टूरिज्म यहाँ का ज़्यादा इनकम है, टूरिज्म से ही ज़्यादा इनकम है। तो हम बढ़ रहे हैं अभी आगे की तरफ। ये देखो भाई, मेन सर्कल है ये पौंडीचेरी में, सिटी के अंदर कडलूर, चित्तंद्रम, कराईकल, ये पूरा हाईवे है भाई। इसको क्रॉस करके आप देख सकते हो, अब तो खैर बाहर बाहर की साइड से निकल रहा है। देखो भाई, इतनी बारिश तेज हो गई है यार, कहीं बारिश कहीं नहीं, कहीं बारिश कहीं नहीं। इतना तो लग रहा है, देख रहे हो कितनी हैवी बारिश हो रही है भाई। बांध सब लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, कैसे जाएंगे, जंगल वंगल, जंगल वंगल हो गया अभी हमारा, जंगल वंगल हो गया। देख रहे हो कैसी बारिश हो रही है, खतरनाक। आगे का दिख भी नहीं रहा, और आप देखो चाहो तो ये अभी हम आ गए हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो अभी थोड़ी हल्की हुई है, कुछ रुकी है। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, नमस्ते वनक्कम और गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं, गुड आफ्टरनून हो गया वैसे, पर आपकी और हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है तो गुड मॉर्निंग हुआ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पिच्छावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। आप देख सकते हो टूरिस्ट प्लेस है ये मेरे पीछे, हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। अगर यहाँ पर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है ना, एक लव्य मेरे साथ ऐसे लटक गया, वो कम्फर्टेबल भी है। यहाँ पर आने के तरीके दो तरीके से हैं, आप बाया तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप वहाँ उसके थ्रू आ सकते हो। वहाँ से ये डिस्टेंस जो है पिच्छावरम की 170 किलोमीटर के आसपास है। और सेकंड, चेन्नई एयरपोर्ट से लेके आप टैक्सी के थ्रू या पौंडीचेरी फ्लाइट मिलती है तो पौंडीचेरी में से आप आ सकते हो, लेकिन आप चेन्नई की साइड से आओगे तो पौंडीचेरी बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप वहाँ से भी आ सकते हो। 60 किलोमीटर का डिफरेंस है वहाँ से आने तक का। आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है, देखो कितने लोग, काफ़ी सारे यहाँ लोग आते हैं। चलिए आपको वो, आप फॉरेस्ट में मैंग्रोव जो जंगल, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको जाके आप एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं वहाँ पर कैसे कैसे चार्जेस हैं, बोटिंग कौन सी है, मोटर बोट भी है और अपना रो बोट भी है जो मैनुअल से चलाते हैं, है ना अभिमन्यू? तो कौन सी पसंद करेगा डिपेंड करते हैं। वैसे मोटर बोट अगर हम लोग प्रेफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लोर करेंगे ना उसके साथ तो साउंड आती है। तो पहले हम घूम चुके हैं एक बार, लेकिन अब इस बार जो स्पॉट है ये वाला रो के साथ आपको एक्सप्लोर करेंगे, ताकि साउंड ना हो और शांति से वीडियो क्लियर बने और आपको दिख सके। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फिर चलते हैं अभिमन्यु के साथ, आपको दिखाते हैं। और अभिमन्यु एक लव्य मेरे गोद में ऐसे ऐसे सेट हो गया, चलो आ जाओ, आपको फिर आगे का बताते हैं। चलिए आगे का पहुँचते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, गाड़ी पार्क करने की बहुत अच्छी जगह है। तो ठीक, तो भाई चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं। ये देखो, मैं आपको चारों तरफ को एक बार व्यू दिखा देता हूँ उधर का। गाइस, ये बस बताना कि ये सीधी है कि उल्टी है। भाई ये कैसी बस है, इसका आगे का पता नहीं चल रहा, पीछे का पता नहीं चल रहा। ये देखो, आगे की है पीछे। इधर से बुलेट आती है, उधर पार्किंग कर जगह खड़ी है, वो पार्किंग कर दी है। इधर यहाँ से आप देख सकते हो विंडो से, उधर आपको बुलेट बोर्ड मिलती है। अभी देखते हैं रोबोट कौन सी है मुझे। हाँ,
रोबोट ये है, रोबोट वाला पोर्शन ये है, मोटरबोट वाला पोर्शन ये है। तो अब हम ऑप्ट करते हैं रो वाला और चलते हैं। देखो रो ये वाली सारी है और टिकट है यहाँ पर, ठीक है टिकट लेते हैं। एडल्ट टू ओनली, भाई हमने जो यहाँ से टिकट लिए थे ना 220 पर पर्सन है मोटर बोट के लिए और 400 है रो बोट के लिए, जो आप 4 पर्सन के लिए। लेकिन मोटर बोट में ना आपको कम से कम 8 लोग तो चाहिए चाहिए, अदरवाइज आपको किसी और के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हो ना ये सब मैंग्रोव फॉरेस्ट ही हैं, अब यहाँ अंदर तक लेके जाएंगे यहाँ काफ़ी दूर तक के लोग, तो उसके बाद जो है अंदर तो घुमाएंगे। चलो चलते हैं, फिर भी बताएंगे रोबोट, उसमें मोटर की साउंड आती है, कोशिश करेंगे कि ना हो ऐसा। सब लोग रेडी हो गए हैं, अब हमने यहाँ के जो है शेयरिंग में इनके साथ बोटिंग कर ली है। लोग तैयार हो गए ऐसे निकले पे, देखो जैकेट पहन लिया हमने और रोबोट तो मिली नहीं है। क्या है कि हैवी बारिश है, उसकी वजह से रोबोट मिली नहीं है। मोटर बोट में उन्होंने बोला कि मोटर बोट ले लो, मोटर बोट का तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। चलिए अब चलते हैं आगे दिखाते हैं। आ गए भाई, ये मैंग्रोव वाले फॉरेस्ट है, देख रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंग्रोव दिखा रहा हूँ। भाई कितने अंदर आ गए हैं, कैमरा भी ध्यान से, फोन टच ना हो जाएगी जिससे फोन वोन ध्यान से भाई बीच में रखना दीवानी। देखो डाउन करने के लिए बोला, हम तो स्टैंड अप ही हो गए हैं। देखो भाई जैसा है एक्साइट से, अरे सक ही हो गए। ठीक है हाउस के नाम आज नहीं हमारा तो चार बज गए भाई, ना तो कुछ छूने का मन कर रहा था, देखने में अजीब सा तो लग रहा था। मैं पूछ रहा था उनसे नाव वाले भैया से कि भैया ऐसा तो नहीं कि भाई सांप वाप या क्रोकोडाइल रहते हो, ऊपर से हार पहना दे आज यहीं लुटा दे। मैं तो भैया बोल रहे कि ये जो समुद्र का सॉल्टेड पानी है ना, इसके अंदर ना तो क्रोकोडाइल होते हैं और ना स्नेक रहते हैं, वो नॉर्मल पानी में ही रहते हैं। यहाँ पे बस क्रैब और फिश और ये सब चीज़ें मिल सकती हैं सांप को देखने के लिए। डेंजर वाले रास्ते से निकल रहे हैं, ये देखो नीचे कुछ आता है। तो गाइज ये जो हम जो अंदर की साइड बिल्कुल आ गए हैं ना, बड़ा डेंजर सा और बड़ा अंधेरा सा लग रहा है देखने में तो। और यहाँ हमने इनसे बोट वाले भैया से बोला है अभी थोड़ी देर रोक दो, साउंड कम हो जाएगी ताकि इस अंदर की साइड की हम लोग वीडियो थोड़ी सी बना सकें। तो फोटो वोटो भी खींच रहे थे सारे लोग इसमें। Thank you.
आप देख रहे हो ना, ये मैंग्रोव, यही मतलब यही ट्री का तो मुझे मतलब क्या है ये तो मुझे आइडिया इनका तो पूरा ठीक से प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन कि बड़ी बता रहे थे कि लीफ बड़ी हैवी होती है, उसमें पानी सोखने की बड़ी कैपेसिटी और क्षमता मतलब होती है। तो मतलब इनका बेसिकली यूज़ क्या है कि कभी कभी सुनामी जैसे हैवी फोर के साथ समुंदर का पानी आता है ना, तो ये बड़ा उसको रोकने में बड़ा काम करती है, ताकि उनका फ्लो रोक दें और आगे नॉर्मल पानी जाए। तो इनका भी बड़ा यूज़ है यार, जो हम यहाँ देख रहे हैं अंदर की साइड में। बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर अंदर फिशिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं वैसे। चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ, ये पूरे सीन हम लोग देखते हैं, बड़ा ही अमेजिंग सीन है, हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है और कुछ भी ऐसा मन नहीं कर रहा कि कुछ चीज़ छू लें। बट मैं कहता हूँ कि आप भी जरूर घूमने यहाँ पर आइए। रास्ता है, अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बहुत बहुत सेफ, बच के चलना पड़ता है भाई। एक ये अभी आ गया रास्ता, ये क्लब भी है देखो, आपको दिखाते हैं स्टेयर पे हल्के यहाँ से कैसा ऊपर से व्यू कैसा आता है।